प्रसिद्ध समाज सेवी हाजी रफत अली के इंतकाल के बाद उनके जनाजे में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रामगंज एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा ने बताया कि हाजी रफत अली प्रसिद्ध समाज सेवी और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल थे। उनके इंतकाल की खबर लगते ही इलाके में भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने सीएलजी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की थी, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर जनाजे में लगातार भीड़ जुटती रही। ऐसे में पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि इलाके में अब भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं परिजनों को अन्य कार्यक्रमों में अनुमत लोगों को ही शामिल करने के लिए पाबंद किया गया है। रफत साहब का निधन हो गया था, वो समाज में काफी लोकप्रिय थे, इसकी वजह से लोगों में जनाजे में शामिल होने की बात स्वाभाविक रूप से थी, लेकिन हमने परिवार वालों को समझाइश कर दी थी और अन्य प्लेटफॉर्म से जैसे सोशल मीडिया है, सीएलजी है, सबको बताया था कि जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ही जनाजे निकाले जाएंगे। इसके बावजूद भी भीड़ कुछ लोगों के बहकाने से आ गई है और भीड़ का शक्ल में वो लोग वहाँ चले गए, तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई करेंगे। लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? करीबन एक दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज भी एक फातिया की अपील की गई थी, आज किस तरह से आज सुबह ये जानकारी मिली थी कि फातिया होगा, लेकिन आज हमने यहाँ भीड़ इकट्ठा होने नहीं दी है और यदि आज इसके बावजूद भी कोई जो अनुमत लोग हैं उससे ज़्यादा आएंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा।